नमस्कार, एबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाहजहांपुर की धरती से वीरता की धारा बही है। कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी। भारत की आज़ादी के लिए अपना निछावर करने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी उन्नति की द्वार खोलेगी। हम शुरुआत से ही सबका साथ और सबका विकास का मंत्र रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस यूपी के विकास पर है, लेकिन साल 2014 से पहले यूपी में कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, कुछ लोगों के विकास के बारे में सोचा जाता था, लेकिन अब यूपी में सबके विकास के लिए सोचा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ शाहजहांपुर में भी 50,000 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। जिन लोगों को अभी पक्के घर नहीं मिले हैं उनको जल्द से जल्द मिलेगा। उसके लिए मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये खजाना आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। आज़ादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीबों के काम करने वाली सरकार बनी है। पहली बार घर, सड़क, शौचालय, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन ऐसी बुनियादी सुविधाओं को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास के ऐसे ही कामों से गरीब पिछड़ों का जीवन बदलता है। जो भी समाज में पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, उसे सशक्त करना, विकास का लाभ उन तक पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यही भावना हमारी कृषि नीति में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री बाबा विश्वनाथ और भगवान परशुराम के चरणन मां हमारो प्रणाम। जय गंगा मैया की। हर हर गंगे। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी पीएल वर्मा जी, संसद में मेरे सहयोगी संतोष गंगवार जी, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सतीश महाना जी, जितिन प्रसाद जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, धर्मवीर प्रजापति जी, संसद के मेरे अन्य सहयोगी गण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के अन्य साथी, पंचायत सदस्य और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काकोरी से क्रांति की अलग जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह का हम हाथ जोड़ी के नमन करते ही उनके पांव छुते ही
जहूं यहां के आप लोगन को आशीर्वाद है कि हम ही मिट्टी का माथे पर लगे हुए को सौभाग्य मिलो। हे नहीं से ओजस्वी कमी दामोदर स्वरूप विद्रोही राजबहादुर विकल और अग्निवीर शुक्ल ने वीर रस से क्रांति धारा बहाई हती। इतो ही नहीं अनुशासन और वफादारी को संकल्प दिवाउन वाले स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जन्मभूमि जहेधत्ती है। इन सब महापुरुषन के पाइनमा हमारो प्रणाम। साथियों, संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस भी है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मुला, सब सुख करनी हरनी सब सुला। यानि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं।
करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजीनियरिंग की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।